ओम शांति। हम सभी धर्मों की आत्माओं के पूर्वज हैं, हम पूज्य भी हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमें सभी आत्माओं की पालना करनी है। हमारी शुभ भावनाएं दूसरों की पालना करती है, हमारे प्योर वाइब्रेशंस दूसरों को निष्पाप करते हैं, हमारी योगयुक्त स्थिति दूसरों को बल देती है। चाहे वो किसी भी धर्म का को मानने वाला क्यों ना हो, हम उन सब के पूर्वज हैं। और भगवान वाच याद रखें, तुम पूर्वज हो, तुम्हारे पुण्य कर्मों का बल सभी धर्मों की आत्माओं को मिलता है, इसलिए उसका फल भी तुम्हें पदम गुना मिल जाता है। एक और महावाक्य याद करें, यदि तुम अपने पूर्वज और पूज्य स्वरूप की स्मृति में रहोगे तो तुमसे स्वतः ही सबकी पालना होती रहेगी। तो हमें एक बहुत बड़ा कार्य बाबा ने दिया है सबकी पालना करने का, और हम इस कार्य की स्मृति रखें। हम साधारण नहीं हैं, हमें सबकी पालना करनी है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। अपनी जिम्मेदारी को ख्याल में रखते हुए हमें हमेशा सोचना है कि हम व्यर्थ से मुक्त रहें। कितना बड़ा काम और कितने छोटे व्यर्थ, विचार करेंगे। जिन्हें बड़े काम करने हों वो छोटी बातों में उलझते नहीं हैं, उनका दृष्टिकोण छोटा छोटा रहता नहीं है। अगर हम ये याद रखेंगे कि हमें तो सबकी पालना करनी है, सबको शांति का दान देना है, सबको शक्तियों के वाइब्रेशंस देने हैं, सबको प्योर बनाना है, हमारे मन में किसी के लिए भी घृणा भाव नहीं हो सकेगा, हम किसी के भी उतार चढ़ाव में नहीं जाएंगे, हमें तो गिरते हुओं को उठाना होगा और सभी आत्माओं के लिए आत्मिक भाव धारण करना होगा। तो सभी बहुत अच्छी तरह अपनी इस गुड फीलिंग में आ जाएं, मैं पूर्वज हूँ और मुझे सबकी पालना करनी है। ये बहुत बड़ा काम बाबा ने हम सबको दिया है, और जो इस तरह पालना करेंगे वो पालन करता श्री विष्णु के समान बन जाएंगे। ये पूज्य स्वरूप होगा हमारा। हम अपने किसी भी पूज्य स्वरूप को स्मृति में अवश्य लाएं, चाहे मैं इष्ट देवी हूँ, विघ्न विनाशक गणेश हूँ या पालन करता विष्णु हूँ। अगर हम अपने इस पूज्य स्वरूप को स्मृति में रखेंगे तो हमसे सुंदर वाइब्रेशंस चारों ओर फैलेंगे और हमारी भावनाएं भी संसार के लिए बदलती जाएंगी। मैं इष्ट देवी हूँ तो मुझे तो सबको देना है, मैं इष्ट देवी हूँ तो मुझे तो संपूर्ण पवित्र रहना है, मैं इष्ट देवी हूँ तो मुझे तो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करनी है, मैं इष्ट देवी हूँ जो जिस भावना से मेरे द्वार पर आएगा मुझे तो उसको पूर्ण करना ही है। ये हमारा चिंतन हो जाएगा और इस चिंतन से हमारी स्थिति बहुत महान हो जाएगी। तो अपने पूर्वज और पूज्य स्वरूप की स्मृति हमें भी महान बनाने वाली है और दूसरों को भी, दूसरों की भी सेवा कराने वाली है। यह ऐसी सूक्ष्म सेवा है जिससे अनेक आत्माओं को चैन मिलता है। ज्ञान दे देना, संदेश दे देना, ये तो कोई भी कर सकता, आज का टेलीविजन भी करेगा और कर रहा है, लेकिन पूर्वज और पूज्य की स्मृति द्वारा वाइब्रेशंस देना ये कुछ महान आत्माएं ही कर सकती हैं। तो आज सारा दिन इन दोनों स्वरूपों को याद करते हुए, उसमें रहते हुए हम बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे। हम बाबा से कंबाइंड हैं, क्योंकि पूज्य स्वरूप हमारा अकेला नहीं है, हम पूज्य हैं ही तब जब बाबा हमारे साथ है। तो बाबा हमारे से कंबाइंड है, वो छत्र छाया बनकर निरंतर हमारे सिर के ऊपर स्थित है। ये अभ्यास हम लगातार करेंगे, बार बार अपने ऊपर देखेंगे
तो सर्वशक्तिवान अपनी किरणें मुझ में भर रहा है और वो मुझे याद दिला रहा है, तुम तो पूर्वज हो, पूजनीय हो। ओम शांति।